नमस्कार भाइयों, जय गो माता। कई नाम है तारो? कई नाम है? मुकेश। मुकेश नाम है नी? की क्लास में? छठी कक्षा में पढ़े? सिक्स्थ में। दोस्तों ये मुकेश है, बहुत ज़बरदस्त गोपालक और राजस्थान के गांवों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी गोपालन ही है। बकरी, भेड़, गाय सब एक साथ दे सकते हो। कई उम्र है मुकेश? 11 साल। मुकेश की उम्र 11 साल और पूरा तन्मयता से गोसेवा में लगा हुआ, क्योंकि यहाँ के घरों का रोजगार कहो या घर चलते हैं तो इन्हीं गायों, इन बकरियों और इन्हीं सब पशुओं के कारण ही चल रहा है। तो गौ माता के आशीर्वाद से ठीक है लगे। तुम गाय और काम कर दो मुकेश। गाय और काम की कर लगे? ठीक लगे। ठीक लगे, मजा आवे? अच्छा लगे। अच्छा लगे तने? वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया मुकेश। तो तू रोज सुबह रो कई काम करे? ऊट पर गाय चरावन जावे? चरावन ने कितना घंटा चरावे? कितना घंटा? तो हमें तू चरान पाची लेना हो? बहुत बढ़िया। और सुबह दूध दूध खुद निकाल ले? नहीं निकले दूध तो हम सीख दूध निकाल लो। ठीक है, चराओ चराओ रही। चलो बहुत बढ़िया मुकेश, बहुत गोसेवा कर रही है। और मुकेश गाय रो दूध की करे? ठीक है, टेस्ट में मीठो मीठो आवे एकदम? वाह 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 वाह। तो शरीर देखो दोस्तों, बच्चे जो गाय का दूध पीते हैं और इस सारी चीज़ों के माहौल में रह के मजबूत शरीर, नहीं तो आजकल के बच्चों को कह दो कि एक बाल्टी उठा के ऊपर चलना है तो वो चढ़ नहीं पाते हैं। दोनों भाई बहन, और तू भी भाई है? कई नाम है तारो भाई? हैं नरेश, तू भी ग्वालो? गाय चला ले की बकरी और ग्वालो तू है? की क्लास में पढ़े मुकेश? पाँचवीं पढ़े। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई कर दे हाथ आते पूरी, वो हाथ गाय और सेवा ही करनी है? बहुत बढ़िया। तो दोनों भाइयों ने एक ही ड्रेस पहनी है। ले आओ भाई, दो भाई पढ़ दो हाथ आते हैं। दोनों भाई देख लो आप एकदम, नहीं नहीं खुशी की बात है नहीं, दो आज खुशी जानी। बहुत बढ़िया भाई। तो सुबह सुबह निकल जाओ, पानी हाथ ले जाओ। पानी किन में ले जाओ? बोतल में है नी? तो कैडी बोतल में करियोड़ी है? सू तू करियोड़ी पूरी ठंडे रहो पानी। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो हिलो ने आराम मस्ती फिरो, गाय हाथ लगाओ लाड करो। लाओ की गाय थारी फेंगू? बढ़िया गाय की है? तुम की गाय लाड है? मोटोडी की? वाह इनो, वाह वाह वाह। इन गाय नाम रहा क्यों तारा की? कई कहवा इन्हें तू कई नाम कहन बुलावे? चितकबरी। वाह वाह वाह, तो बहुत बढ़िया नाम रहा चितकबरी है। ला तू आ जा, बा लाडो। इन नाम लाडो है? आ रानी, आ चितकबरी, ये रानी, ये लाडो। दोस्तों ये परिवार के सदस्यों की तरह इन सभी से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया है। तू दूले हुए गाय दूनी हमें? मम्मी दूए, पापा ही दूए? बकरी दूध दूए? वाह 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 वाह। तो बढ़िया, मतलब आनंद आ रही हो, जिंदगी ठीक है नहीं? अटे सुबह कितने बजे उठे? सुबह 6 बजे उठ जावे? उठ तो हैंगू पहला हिनान हिनान करने पचे के यूं ही पचा पचा हिनान करे चरावन जाए? सुबह हिनान करे को मैं सुबह पचा नहीं करे? वाह वाह बढ़िया, ठंड रो मौसम है ठीक है, थोड़ा आलस है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सेवा कर रही हो, बहुत बहुत शाबाशी। तो पढ़ाई कर दो हाथे। दोस्तों ये जो आपको ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यही था कि एक परिवार, ये दोनों भाई बहन तीनों, ये परिवार मिल के और इनके माता पिता और पूरे परिवार का रोजगार और सारा का सारा सिस्टम आप देख लो, सिर्फ गौ माता और इस छोटी सी खेती जो आप देख रहे हैं यहाँ आसपास, इस छोटी सी खेती पे चल रहा है। तो आपको कहने का यही उद्देश्य है कि भाई जो आजीविका का साधन है इस रेगिस्तान में और इस माहौल के अंदर, वो सिर्फ गौ माता ही है। और इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में जल व्यवस्था और सारी चीज़ें हुई है, इस कारण थोड़ा ठीक है माहौल। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त गौसेवा का माहौल है इन क्षेत्रों के अंदर, और ऐसी माहौल सभी जगह बने, ऐसी स्थितियां सभी जगह बने, लोग ऐसे ही गाय से प्रेम करें और ऐसी ही गो भक्ति हो। आप देख सकते हैं इन बच्चों का प्रेम पशुपालन के प्रति, और दोस्तों स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और जो बच्चों के लिए जो विकास है वो भी ठीक रहता है, और परिवार के प्रति भावना भी ठीक रहती है, माँ बाप की सेवा और सारी चीज़ें बहुत अच्छी। तो आप दोस्तों को इनकी ढाणी का, इनके घर का और सारा चित्रण विवरण दे रहा हूँ इस छोटे से घर के अंदर रहते हुए।
और इस ये गायों के लिए छोटा सा शेड बनाया है, सारी जो उपस्थित सारी चीज़ें थी उनसे लेके। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को भी किस तरह से खुशी से लिया जा सकता है वो आप देख सकते हैं इस घर के अंदर। बहुत ही सुंदर दोस्तों, और गौ माताओं को प्रेम और जो भावना है ये सभी जगह इसी तरह से फैले। और पुनः वो काल आए जिस समय गाय को एक अच्छी स्थिति में समझा जाता था। आप सभी का बहुत बहुत आभार है दोस्तों आपके समर्थन के लिए। इसी तरह आपका समर्थन मिलता रहे और मैं आपको इसी तरह से जगह जगह के और भी वीडियो और भी चीज़ें दिखाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, इन बच्चों की जो गौसेवा और इनका समर्पित जीवन था इन गायों के प्रति वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और अनायास ही जब रोड पे चलते हुए यहाँ पे रुका तो विचार हुआ कि आप सभी भाइयों तक इनकी गो भक्ति और इनकी गौ सेवा को दिखा पाऊँ। एक परिवार के सदस्य की तरह ये गायों को रखते हैं और बहुत ही मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग परिवार का बहुत ही साधारण परिवार है। ये इन बच्चों का घर है जहाँ ये परिवार तीनों भाई बहन माता पिता के साथ रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और इस आनंद के जीवन को समर्पित जीवन है। ये इनका चूल्हा और बाकी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं। दोस्तों जब भी कभी मौका मिले तो ऐसे किसी स्थान का ज़रूर विजिट करें और देखें। वहाँ पे बहुत ही सुंदर, बिल्कुल साधारण सा जीवन, समर्पित जीवन। जय गौ माता।